बाय। ये था भाई होटल सिल्क रोड, जिसमें मैं पिछले 3 दिनों से रुका हुआ था। हेलो, अभी मैं हूँ याज सिटी। याज जो कि ईरान के सबसे सेंटर में पड़ने वाली सिटी है, इसकी पॉपुलेशन लगभग 5 लाख के आसपास है। ईरान की या फिर वर्ल्ड के भी कह सकते हो आप, सबसे पुरानी सिटी में से एक माना जाता है। यहाँ की गलियों को देखकर भाई पता लग जाता है कि ये सबसे पुरानी है, क्योंकि ये कोई सीमेंट या कुछ नहीं है, ये मिट्टी है एक्चुअली में। जैसे आज से 20 साल पहले लगभग जब हमारे जो फर्श होते थे ना, फ्लोर होते थे घरों के, उनको हम मिट्टी से लेपते थे। मुझे आज भी याद है, मेरा घर ऐसा ही हुआ करता था। ये देखो, ये इधर मिट्टी है, गाय का गोबर है, और ये भूसा है, भूसा जो हम अपने गाय और भैंस को चारे में डालते हैं। अभी आपको ये सभी बाजार भाई खुले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही 1:30 बजेगा ये सभी बाजार पूरा याद सिटी बंद हो जाएगा। ईरान के अंदर याद सिटी का एक रूल है कि सुबह 10 बजे यहाँ की मार्केट और दुकानें खुलती है, और 1:30 बजे फिर से बंद हो जाती है, और सभी लोग फिर घरों की तरफ चले जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर दोबारा से 5 बजे ये सब वापस आते हैं और अपनी दुकानें, बाजार सब कुछ दोबारा से खोलते हैं। तो पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है ईरान सिटी के अंदर। हालांकि याज सिटी के अंदर मैंने ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों के लिए एक सिनेमेटिक वीडियो तैयार की है। इस बार मैंने मैं जा रहा हूँ हाइदन भाई जिसके साथ मैंने इस वहाँ से हिचहाइकिंग की थी, जो कि चाइना से है। ये है याद सिटी का सबसे प्यारा व्यू भाई। सामने एक मस्जिद है, वाटरफॉल चला रखे है, और इस तरफ लिख रखा है याद सिटी, वेलकम टू याद। आई एम गुड, हाउ आर यू? अगेन हाइदन भाई हमारे सामने जो क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है भाई आपको, याद सिटी का सबसे पुराना क्लॉक टावर है। भी कहा जाता है कि पूरे ईरान के सबसे सेंटर में इस क्लॉक टावर को बनाया गया है। और अभी हम जा रहे हैं भाई हाइदन भाई के होस्ट के घर, मोहम्मद। इनके होस्ट का नाम मोहम्मद है भाई, उसकी भी एक अजीब कहानी है। सबसे पहले मैंने उनको अपनी काउंसलर की रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उन्होंने बोला था कि जापनीज और चाइनीज़ लड़कियां हमारे घर पे रुकी हुई है। जो चाइनीज़ लड़की की जिनकी वो बात कर रहा था, वो एक्चुअली में हाइदन भाई थे। ही थॉट यू आर अ चाइनीज़ गर्ल। या 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 ही थॉट आई एम चाइनीज़ गर्ल। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। और ये इनकी प्यारी सी फैमिली। और इनके साथ ही हम सिराज जा रहे हैं, हालांकि ये नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में हम लोग सिराज जा रहे हैं। तो मोहम्मद भाई अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, और हम उनकी डॉटर एंड उनकी वाइफ के साथ आगे सिराज के लिए कंटिन्यू जाने वाले हैं। Ah, yeah, good. Very good. Very good. I am the only black person in the pictures. Good habits. Bye-bye. भाई हमें लगी है भूख और लंच टाइम हो गया है, तो हम चलती गाड़ी में अपना लंच करने वाले हैं। ये कुछ सैंडविच है जो घर पे बनाया है, भाभी जी ने घर पे ही बनाया है, और इसके साथ हम लोग खाने वाले चिली केचप। अभी हम लोग आया भाई एक गैस स्टेशन पेट्रोल भरवाने के लिए। ये छोटा सा पेट्रोल स्टेशन है। ईरान में तेल इतना सस्ता है कि वो रोड पे बहता है। ये देखिए, ये सब यहाँ पे पेट्रोल खिंडा हुआ है गाड़ियों में भरते टाइम, और हमारी गाड़ी में कुछ हद से ज़्यादा पेट्रोल भर दिया है, तो पेट्रोल की लीकेज स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये नहीं पता कि ये मुसीबत है या क्या है, लेकिन हमारी गाड़ी से जो भाई पेट्रोल लीक हो रहा है टैंक से, और दीदी कह रही है मुसीबत नहीं है, मुसीबत नहीं, पेट्रोल गोइंग आउट, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, या बेंजीन, नो प्रॉब्लम। यस भाई, हमारे इंडिया में अगर थोड़ा सा भी पेट्रोल ऐसे बाहर निकलता है तो हम लोग रोने लग जाते हो। यहाँ रोड पे पेट्रोल बह रहा है, ईरान में पेट्रोल की नदियाँ बहती है भाई, 7 रुपये लीटर है।
ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है भाई, लेकिन हम महमूद की वाइफ के सिस्टर के घर आए हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ सिराज जाने वाली है। ये है उनकी सिस्टर का घर। हेलो हेलो। सिराज अभी भी यहाँ से 300 किलोमीटर बचा हुआ है। फाइनली भाई वेलकम टू सिराज। टाइम हो गया रात के 9:15 और अभी हम लोग सिराज पहुंचे हैं। अनीता की नानी के घर पे ही आज हम दोनों भाई रुकने वाले हैं। एक्चुअली में ऐसी है सिराज की कुछ गलियां भाई, रात को 9 का टाइम हो गया है, सुनसान हो गया है अभी से पहले। नो चीटिंग ओके, ओनली हैंड। ओके भाई, अभी डिनर टाइम हो गया है हमारा और यहाँ लाइन में हमारे लिए समोसे रख दिए गए हैं और ये चाय के लिए गिलास और ये सॉस और ये है इनका पूरा परिवार भाई। ये सामने बैठी है अनीता की नानी जी और ये है अनीता जी की मम्मी जी। हेलो। उन्हें औका चून। यस, ये इस उन्हें औका चून। ये है अनीता के सिस्टर के हस्बैंड, उनका लड़का, ये उनकी लड़की। वो सामने है अनीता पापा और ये अनीता की सिस्टर। ये है मेरी फेवरेट चीज भाई ईरान के अंदर, मिर्च। ईरान में भी इसको समोसा बोलते हैं और अपने इंडिया में भी इसको समोसा बोलते हैं। भाई बड़ा खतरनाक लड़का है। Beat Chinese. We both beat you, okay? सामने भाई टीवी पे अपनी इंडियन मूवी चली हुई है और हमारी जो नानी जी है वो बैठ के इसको देख रही है काफी ध्यान से। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मैन। ओके, गुड नाइट। सेकंड। ये है हमारा रूम जहाँ पे हम हिंदी चीनी साथ में सोने वाले हैं और बैग वगैरह हम अपने रूम में लेके आ गए हैं। इधर अंगीठी जल रही है इसलिए ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। एंड काफ़ी प्यारा घर है अनीता की मम्मी के मम्मी का। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग सिराज सिटी से। अभी हम अपने होस्ट के घर पे ही है और अपना सारा सामान हम लोगों ने पैक कर दिया है भाई। गुड मॉर्निंग। सुपर बहात भाई, मेरा सारा सामान पैक है, भाई का भी पैक हो गया है और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। एक्चुअली ये फैमिली कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। कल हम आते आते लेट हो गए थे तो इन्होंने हमें एक रात के लिए जगह दे दी थी, लेकिन अब मैंने एक होटल ढूंढा है और भाई को एक होस्ट मिला है तो हम दोनों अलग अलग जगह जाने वाले हैं। بیشم گو یالدا اینجا باشین یالدا یالدا بای بای تھینک یو اول اوکے بای بای ہائی اگین بای بای یس تھینک یو یس ٹیک ا پکچر اوکے اوکے ایوریبڈی کم ओ भाई कितनी प्यारी फैमिली है भाई, हमारे दादाजी हमारे साथ फोटो खिंचाने आए हैं। ओके 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 ओके
कितना प्यारा परिवार था भाई, हद से ज़्यादा प्यार दिया इन्होंने। और एक्चुअली मुझे कह रहे थे कि आप रुक जाओ, इस चीनी को जाने दो, क्योंकि चीनी के पास हॉस्टल है, मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ तो इनको पता है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग रुक सकते हो, आप रुक सकते हो चाहो तो दीपक। तो मैंने बोला नहीं, मैं एक्चुअली मैं हॉस्टल में अपना सामान वगैरह रख देता हूँ और उसके बाद अच्छे से नहा धो के भाई जब फेस्टिवल अटेंड करने आऊँगा, यालदा फेस्टिवल को अटेंड करने जाऊँगा भाई शाम को, तभी मैं ऐसे एक टैक्सी बुक करने वाला हूँ और टैक्सी बुक करके मैं यहाँ से जाऊँगा अपने हॉस्टल की तरफ। तो भाई आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल में और इस हॉस्टल के लिए मैंने पे किया है पर नाइट $5, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, चाय भी इंक्लूड है। और ये इसका शावर देखो भाई, क्या ख़तरनाक लेवल का है। और ऐसा कुछ रूम है भाई, ये वाला बेड मैंने लिया है, सामने मिरर है। और एक बार हॉस्टल दिखा देता हूँ मैं बाहर से आपके, काफ़ी शानदार और काफ़ी ओल्ड टच हॉस्टल है। ये देखो यहाँ पे कुछ डाइनिंग टेबल है तो बैठने के लिए सोफ़ा है, और ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई, ये मेरा हॉस्टल। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, $5 एक रात के लिए है। यहाँ पे एक प्यारी सी चिमनी बना रखी है, क्या स्टाइलिश कमाल की चेयर है ओल्ड टाइप। इधर डाइनिंग टेबल है और ये वॉशरूम एंड शावर है। ये आई थिंक शावर तो इसमें कहाँ ले सकते हैं भाई, सीट के ऊपर बैठ के शावर लेना पड़ेगा आपको, काफ़ी छोटा है। और ये हाथ सुखाने के लिए है, ये डोरमेट्री है, पूरी डोरमेट्री खाली है, मैंने ये वाला बेड ले लिया है। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये थी मेरी यास से सिराज तक की जर्नी एक फैमिली के साथ और यास सिटी के कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट्स, आपको पसंद आए होंगे। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।